अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे और यहाँ पर देखिए हमारा गब्बर ना बिल्कुल टेंशन हो गया हुआ है। तो यहाँ से काम करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं और इनको जाते हैं बाहर। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। खाना इनका वो उस तरफ पड़ा हुआ है, पहले इनको हम खाना शाना खाने देंगे। ओए हो, इतना निकाल दिया मेरे गब्बर ने, उफ ओ। दोस्तों हमें यहीं पर रहना पड़ेगा, अंडा वगैरह का कोई सीन नहीं। और ये देखो ये मेरे पास आए जा रहे हैं जबकि खाना इनका वो उस तरफ रखा हुआ है। आई थिंक थोड़ा यहाँ से पानी हम इस पर डाल देते हैं क्योंकि रोटी है ना तो ये सख्त हो चुकी है, इनको नरम करके देना पड़ेगा। ये हमने सुबह के वक्त डाली थी तो अभी तो ये फिर खुश्क होगी होगी इस वजह से। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद से आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। तो यार आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और यहाँ पर ना अभी यहाँ पर हमारे कोई ना कवे मियाँ भी बैठे हुए इस साइड पर, जबकि लेकिन हमारे असीन है इनको खाने नहीं दे रहे इस जगह पे। तो एक काम करेंगे ना, अभी इनको थोड़ा बहुत खाने खिलाने के बाद थोड़ा सा दाना शाना हम इनको डाल देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वहाँ से पिजन अपने, और उसके बाद ना फिर हम जाएंगे अपने अकबर के पास। पहले इन सबको खाना शाना खिला देते हैं, और पिजन को अभी निकालने का ज़रा भी फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी निकाला ना तो फिर हमारी जो मुर्गी है ना वो मारना शुरू कर देगी। दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से ना ये काफ़ी बड़ा हो चुका है हमारा दी इडियट गैंग का मेंबर। ये चारों दी इडियट गैंग के थे जो हमारे उस सेटअप पे थे जो हम लाए थे, बाद में हमने इनको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। और इस बेचारे वाले की ना जो मैंने जेंडर पता करवाया था उस हिसाब से ना ये जो ये वाला ना ये मुर्गा बन रहा है और वो जो सामने है ना वो मुर्गी बन रही है। और इसकी टांगों को मसला हो गया था, रुको मैं इसको पकड़ लूँ ना किसी तरीके से। ये पकड़ लिया, हौसला। ये दोस्तों इसको मैंने फाइनली पकड़ ली, इसकी ना टांगों को कोई मसला हो गया, आई थिंक इसकी टांगों पे ना कोई चढ़ा है इस वजह से, वरना ऑल एंड गुड है, फिट सीन चल रहा है। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, जाओ अपने साथियों के साथ रहो। और इनकी ना ट्रियो जोड़ी एक पूरी बनी हुई है जिनके साथ ये घूमते रहते हैं, और बाकी सारे ना दूसरी तरफ होते हैं और ये बाकी दूसरी तरफ होते हैं। तो इन्होंने ना मुझे तंग करके छोड़ दिया है ना, ये खुद खा रहे हैं इधर उधर बस मेरे पीछे आए। देखे आई थिंक दोस्तों ये ना इन्होंने मुझे याद रखा हुआ है, इस वजह से 2 महीने तकरीबन मेरे सेटअप पे रहे। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ना रोटियाँ नरम हो जाएं, और थोड़ा यहाँ से ना हम डाल देते हैं इनको यहाँ पर, ये थोड़ी सी मकई पड़ी हुई है इसके अंदर तो ये भी डालो। ओ भाई शॉप पर फाड़ देगा ये बेचारा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर ना हमने इनको खाना शाना डाल दिया इस वक्त, और अभी ना ये सुकून से खाएंगे। हाँ जी गब्बर। और दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बात ना, क्या जो हमारा यार गब्बर है ना इसका बेटा वो सामने है, और उसके बाद ना इसी के 2 बेटे ये 2 हैं, देख रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे बच्चे इनके मर भी गए क्योंकि इनकी जो रेशो थी ना सर्वाइवल बहुत ज़्यादा कम थी। तो आप लोगों को खुद ही देख ले, पता नहीं कितने इसने बच्चे निकाले ना, पता नहीं उसकी फीमेल ने ना कितने बच्चे निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ आप देख लें 1, 2 और तीसरा कह दिया, हाँ तीसरा, ये सिर्फ ये 3 बच्चे हैं, उनमें से भी मेरे ख्याल से 2 तो मुर्गे मुझे लगते हैं और ये आई थिंक मुर्गी लगती है मुझे। चलो जो भी है, उसके अलावा ना इसके सारे बच्चे मरते गए, और नहीं हो सकता है इसको हम ना ज़िबा भी कर दें तो सर्दियों में, आई डोंट नो कि क्या पता, हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो जो वो देखेंगे बाद में। फाइनली यहाँ पर बंद हो चुके हैं और हम ना अंदर, चलो अंदर अंदर सारे अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर अंदर अंदर, इनको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब बारी आती है हमारे पिजन्स की, और जो हमारे लक्के के बच्चे निकले थे उसकी भी हालत वगैरह देख लेते हैं। आ जाओ अंदर, चलो आ जाओ हम अंदर जाए, वो सामने हमारा लक्का बैठा हुआ है और इन बेचारों को तो भूख लगी होगी। और अपना बच्चा दिखा दो यार ज़रा, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा बच्चा दिखाओ, मानना ना। वो देखें दोस्तों माशाल्लाह ना दोनों सेट हैं, वो देखिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं दोस्तों, हैवी लग रहे हैं। आप एक काम करते हैं इन सबको बाहर की तरफ, हमारी सूजी, क्या ले सूजी, ये देखिए दोस्तों सूजी हमारी, ये माशाल्लाह ना इसके भी पार बहुत अच्छे आ गए, देख रहे हैं आप लोग काफ़ी चस वाले आ गए। तो एक काम करते हैं यहाँ जितने हैं सबको बाहर निकल गए, वैसे भी सबको ना खाना शाना हमने डाल दिया, और यहाँ पर देखें ना बिल्कुल इंजॉय होके खा रहे हैं। तकरीबन हमारे पास ये 13 एक यहाँ पर पीस पड़े हुए, एक वो अंदर लका बैठा हुआ है हमारा वो सामने, और बाकी 2 बच्चे और सूजी हमारी, और उसके अलावा तो छोड़े हैं वहाँ पर देखें कवे मियाँ वहाँ पर आके बैठे हैं, उन्होंने वहाँ पर अपनी, और वहाँ पर मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ ना, कोयल ने भी डेरा जमाया हुआ है। चलो अच्छी बात है, किसी का ना किसी का पेट तो भरे ना एटलीस्ट। फाइनली दोस्तों वो देखिए हमारे जो लकी है ना वो भी नीचे की तरफ उतर आ गई है क्योंकि मैंने इसको अंदर की तरफ दाना शाना डाला है। अब ना ये जाके अपने हमारी चिंकी मिंकी को भी खिलाएगी, उनके अपने बच्चों को खिलाएगी, और अभी ना इन्होंने थोड़ा बहुत ये खा लें, उसके बाद ना हम इनको अंदर की तरफ बंद कर देंगे। फाइनली अभी दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी से थोड़ी देर पहले आया था, तो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे सेटअप पर हुई है। घर वालों ने, ओह यार हौसला करो, अंदर हो जाओ ज़रा, घर वालों ने बताया। ये देखें दोस्तों, दिखाना तो नहीं होता मुझसे, यहाँ पर देखें, पता नहीं दोस्तों इसको फंगस हो गया था कि क्या हुआ था। और जब मैं आया तो घर वालों ने कहा कि सुबह के वक्त घी डीजा लग रहा था, 11 बजे तकरीबन ना इसकी डेथ हो गई है। यार एक तो ये नुकसान हुआ, इसके जो मेल पार्टनर है उसको भी कुछ ऐसी आदत हुई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ज़िंदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर सकेगा या तो कल तक। यार
पता नहीं इसको क्या हुआ है, फंगस इसको लगी है बहुत बुरी किस्म की। कान भी इसके ख़राब हुए हुए हैं और उसके अलावा फिर इसका जिस्म भी सारा और बहुत पतला हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो अब यही करेंगे, अब दफनाने का मेरा इरादा था लेकिन मैंने सोचा क्यों ना किसी की और की खुराक बन जाए, तो बिल्ली के आगे डाल दूँगा। अब चलो बिल्ली की काम आ जाए, अब ज़िंदा तो है नहीं कि हम उसको ऐसे बेचारे को डाल दें, लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ। फ़िलहाल के लिए ना अभी तो हम यहाँ पर इनका सेटअप, ये हमारा मेल बाहर की तरफ निकला हुआ है, बाकी यहाँ पर सीन शीन चेक करें कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये चादर उठा लेते हैं और सीन तो बिल्कुल हैवी हुआ हुआ है। जो हमारी वाइट वाली कबूतरी थी ना, इसने फाइनली अडॉप्ट कर ली है यहाँ पर हमारी मुर्गियों को अंडे को। अब देखें यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे, और यहाँ पर भी ना अडॉप्ट कर लिया हुआ है इसने, इस कबूतरी ने। चलो एक गुड साइन हमारे सेटअप पे है, लेकिन यार मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है, बड़ी अजीब सी कहानी हो गई है। मुझे एटलीस्ट इतना वो नहीं था कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी डेथ हो जाएगी इसकी, लेकिन अब चलो क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अब इनको ही निकाल लेते हैं, बल्कि रुको पहले इसको नहीं निकालते, अंदर हो जाओ, इसको उठा के साइड पे करते हैं ताकि ना ये ऐसा ना हो कि ये खाएं या फिर कुछ ऐसा चूजे मारें तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा इनका काम। अब ये ना फाइनली एक काम करते, ओए ओए यार उनको निकाल लेते हैं, काम करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं अपने गब्बर को। यार इसने अंडे तो नहीं दिया यार, कोई अंडे का सीन नहीं लग रहा यार। आप लोग आ जाओ बाहर, आप लोग भी आ जाओ। और एक और गुड न्यूज़ दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे बाकी वाले हैं ना, ओए 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 यार क्या कर रहे हो यार, ये एग्रेसिव क्यों इतना हो गया। ओ अकबर बात सुन, एग्रेसिव क्यों हुए हुए आप इतने, पता नहीं इसको क्या हुआ हुआ। वो देखें दोस्तों सबको पकड़ पकड़ के मार रहा है। एक काम करते हैं यहाँ से हम निकाल लेते हैं बाकी वालों को भी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो गुड न्यूज आई है। आ जाओ बैठे। वो देखें दोस्तों अंडे आ गए हैं फाइनली, और अभी निकालते हैं दोनों को फाइनली दोस्तों। वो देखिए यार वो कितना एग्रेसिव हुआ हुआ है, वो देखे भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कब से यार, साइड हो जाओ। एक काम दोस्तों अभी अंडे निकाल लिए यार, अभी अंडे निकाल लिए तो ये रखते हैं जाके, उसके बाद फाइनली दोस्तों अभी खाना इनका आया है, इनको ज़रा बिखेर के देंगे आप। चलो जी आ जाओ, इनको एक जगह देने का ज़रा भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना वो देखें देख रहे हैं अभी इसे लड़ना शुरू इन्होंने कर दिया हुआ है। और इस वक्त ना यार निकल आओ जल्दी यहाँ से, ना थोड़ा सा खाना हम और डाल देते हैं मज़ीद, क्योंकि ना ये हीट के लिए काम भी आते हैं इनके, और बस थोड़ा सा और डालेंगे हम। फाइनली दोस्तों उनको मैंने खाना शाना दिया, तो मैं ऊपर की एवरी के अंदर आ गया हूँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना, अभी दिखाता तो नहीं हूँ खैर, लेकिन मुझे पता चली है ना इसके अंदर ना दूसरा बच्चा भी निकला है। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों कल दिखाया था कि एक बच्चा निकला है, आज ना फाइनली दूसरा बच्चा भी निकल आया है। अभी उसका मेरे ख्याल से दिन पूरे नहीं हुआ, इस वजह से उसके अंदर से ना आवाज़ें आ रही हैं ना अभी कोई सीन लग रहा है कि उसके अंदर से बच्चे निकलेंगे। और उसके बाद यहाँ की बात करें ना, यहाँ का दो बच्चे तो फाइनली निकल आए हैं, और गुड न्यूज़ आई भी है हमारे सेटअप पर। तो चलो कोई मसला नहीं, हो सकता है आप लोग सब्सक्राइब करें, हम और भी तोते ले आए, तो फिलहाल के लिए तो अभी ये सुना सुना लग रहा है, लेकिन तो जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे हम और मजीद लाते जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे सेटअप पे सैड न्यूज़ भी है उससे मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, क्योंकि यार हमारा एक रैबिट एक्सपायर हो गया, तो चलो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें हमारा ये लड्डू रहे दोस्तों, ये इसका मेल पार्टनर, और मुझे भी इसकी हालत नहीं कोई अच्छी लगती। आप लोगों को बज़ाहिर तो नज़र आ रहा होगा सही है, लेकिन मुझे इसकी कोई अच्छी हालत नहीं लग रही, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो इसको अलावा यहाँ पर ना सब कुछ जानवर वगैरह हमारे पेट्स वगैरह बिल्कुल सेट सेट हैं, और अब मुझे सिर्फ ना हमारी असीर का सिर्फ ओए 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 आजकल तो मुझे ये खुशी हो रही है यहाँ पर। तो अभी मैंने इनको खाना शाना, तो इनको भी पानी डालना है, ये तो मैं डालना ही भूल गया। और वहाँ पर देखिए हमारे जो असील अंडे ना कितने प्यारे लग रहे हैं यार, अगर इसके अंदर से चूजे निकला है ना, आप लोग दुआ कीजिए। और इसके अंदर हमने सिंपल देसी रखे हुए हैं, देसी अंडों के, देसी मुर्गियों के अंडे रखे हुए हैं, और वो भी मैं बताता हूँ किस कलर के, इस वाली कलर के रखे हुए हमने। खैर ये मुर्गा है, मुर्गी आई थिंक पता नहीं किधर की, वो सामने उस कलर के हमने रखे हुए हैं। तो बस दुआ करें आप लोग दिसंबर के महीने में शुरू में बच्चे निकल आएंगे, तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों अब इनकी बारी आ गई है बंद होने की, और इसको हम बंद कर देते हैं, और इस बेचारे के लिए ना हम एक काम करते हैं, दवाई जा के ले आते हैं, ऐसा ना ये भी हमारे हाथों से ज़ाया हो जाए। यार वो ओए ओए यार तुझे किसने कहा है उधर घुसने को, हमारी असीर को भी तो, गंगू ताई को भी तो कोई काम नहीं ना उधर घुस जाती है। अच्छा भले अपने इसके साथ पार्टनर के साथ यहाँ पर सारे मुर्गे नहीं, एक मुर्गा काम है यहाँ पर, इसको तो फिलहाल के लिए। दोस्तों यहाँ पर ना तकरीबन सारे के सारे बंद हो चुके हैं, खाली हमारे ग्यारह मुर्गा रह गया। यार आप भी आ जाओ, चलो 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 यार चलो चलो अंदर घुस होगी, अच्छी जबरदस्त गुड हो गया, सारे बंद हो गए ना, बिल्कुल सारे बंद हो गए। चलो
हम इनके आगे रख देते हैं चादर इनकी वाली और बस ये हो गया टाटा बाय बाय। और होप सो दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। यार खैर आज का कोई सीन बहुत बुरा गया है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।